वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं 2D यानी कि 2 डायमेंशन की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, सो इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्राफिक सिस्टम टू अलाउ यूजर टू चेंज द वे ऑब्जेक्ट्स अपियर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करना, लाइक उसकी रोटेशन में चेंज करिए, यानी कि किसी चीज़ की पोजिशन में चेंज कर देता हूँ मैं, रोटेशन में कर देता हूँ, या रिफ्लेक्शन यानी कि उल्टी इमेज बना दूँ उसकी, या स्केलिंग कर दूँ यानी कि उसका शेप बड़ा कर दूँ, या शेयरिंग यानी उसको छोटा कर दूँ। ठीक है, तो वो सारे इफेक्ट जो भी चेंजेस लाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, द इफेक्ट दैट चेंजिंग द साइज पोजिशन और इट्स ओरिएंटेशन इज कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सिंपली क्या होता है, एक आपकी नॉर्मल मैट्रिक्स गिवन होती है और फिर उसको जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसके साथ अपन जो भी मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका जो आउटपुट निकलता है वो आपकी नई वाली मैट्रिक्स बन के निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन। लाइक सबसे पहले तो आप देखो पॉइंट की पोजीशन कैसे बन रही है। इधर आपका एक्स और वाई, एक्स किसके लिए होता है, हॉरिजॉन्ट के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये होता है वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल में देखो यहाँ पर, ठीक है, देख पा रहे हो। अब यहाँ देखो, इधर पोजीशन है एक्स वन, इधर है एक्स टू, बिल्कुल सही बात है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में चेंजेस आ रहा है। तो इधर एक्स वन वाई वन और इधर हो गया एक्स टू वाई वन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में पॉइंट सेम चल रहे हैं, सॉरी वर्टिकल में पॉइंट सेम है, इसलिए y1 और इधर भी y1। अब ऊपर गए थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो गए तो वर्टिकल में ये हो गया y2 और ये अपनी हॉरिजॉन्टल में क्या रह गई, x1 x2। तो इसी चीज़ को मैंने ABCD को इसी फॉर्म में लिख के यहाँ पे आपको शो कर दिया। तो इसी प्रकार से आपको पॉइंट गिवन होंगे, आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना है, एक x का होगा एक y का होगा, एक x का होगा एक y का होगा, तो इस तरह से पॉइंट गिवन आपको होंगे क्वेश्चन के अंदर। तो देखो राइट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर किस जब ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती है, लाइक रोटेट कर दो उसको, घुमा दो, कैसे भी घुमा दो, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, तो वहाँ पर आपका जो एक्चुअल आपका ऑब्जेक्ट है वो चेंज हुआ नहीं हुआ ना। लाइक आपका ये रेक्टेंगल है, इसको मैं थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ, तो क्या इसमें ये अभी भी रेक्टेंगल ही तो कहलाएगा ना, कोई दूसरी शेप थोड़ी बन गई, नहीं बनी ना। ऐसे स्केल में बड़ा कर दूँ मैं अगर इसको, तब भी रेक्टेंगल ही कहलाएगा ना। और ऐसे ट्रांसलेट यानी कि पोजीशन चेंज कर दूँ, यहाँ से वहाँ रख दूँ, तब भी ये रेक्टेंगल ही कहलाएगा, तो उसको कहते हैं राइट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही रहता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही रहता है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं इस वीडियो में ट्रांसलेट की। तो ट्रांसलेशन देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है 2D की, जो क्या करता है, एक रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग में ये रीपोजिशन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका रेक्टेंगल यहाँ पे था, अब आपने यहाँ पे नई x1-y1- नई पोजीशन पे रेक्टेंगल यहाँ पे लिया है स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए। लाइक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है, उसको करने से पहले मैं आपको शो करना चाहूँगा समथिंग, कि आपका जो पी होता है ये होता है आपका एक्स, ये होता है वाई, ये होता है tx and ty। ठीक है, अब इसको इससे ऐड कर दो तो आपका नया पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसको इससे ऐड कर दो कि आपकी नई पोजीशन बन जाएगी, तो वाई डैश क्या बन गया, y+ty, ये x+tx। ओके, और आप ऐसे भी लिख सकते हो p-p+t, जैसे कि आपकी ये पोजीशन यहाँ पर आ गई इसको ऐड करने पर। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से करते हैं। एक इससे पहले एक और चीज़ समझाता हूँ, अपन मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं इसको, तो ये रहेगा आपका ऐसे +tx ty, इस चीज़ का ध्यान रखना बस, और कोई भी चेंजेस नहीं है। लाइक आपके पास पोजीशन ये है तो आपका नए वाले मेरे को फटाफट से बता दो क्या होंगे। तो देखो सर, ये हमारे x की वैल्यू है 8.6 और इसकी वैल्यू है -1 y की, और tx ty 0.4 है सर, और माइनस का 0.2 है, दोनों में एडिशन लग रहा है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, एडिशन, ऐड करने में कितना मिला, ये हो गया 9, ये हो गया -1.2। तो हमारी नई वैल्यू x1- और y1- की आ गई, x1- की है 9 और y1- की है -1.2। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको ट्रांसलेशन का। एक और एग्जांपल देख लो, अब मेरे को शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतना ईजी है ये वाला। आगे जैसे वीडियो में बढ़ते जाएंगे और सीखेंगे तब आपको और ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, फिलहाल तो नहीं मिलेगी। तो देखो 1 0 ये आपकी नई पोजीशन हो गई, इसको आप चाहे तो ग्राफ में भी शो कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए,
सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।